हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट विजन। डियर स्टूडेंट्स, एज पर योर डिमांड आई एम विथ हिंदी लिटरेचर टुडे। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने डिमांड किया था कि मैं हिंदी लिटरेचर में भी क्लास दूं, तो आपके डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज मैं हिंदी काव्य संग्रह से फसल कविता लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखिए जी, बैद्यनाथ मिश्र, जिनको कि नागार्जुन के नाम से जाना जाता है, ये महान कवि हैं। इन्होंने फसल कविता लिखी है और इस कविता में इनका मुख्य उद्देश्य ये कहना है कि फसल यूं खुद ब खुद तैयार नहीं हो जाती है। फसल को तैयार करने में किन किन चीजों का योगदान होता है, उसी का वर्णन इस कविता में है। प्यारे बच्चों, वो कहते हैं कि फसल जो है वो नदी के पानी का जादू है। इसका अर्थ क्या हुआ? नदी के पानी का जादू है, इसका अर्थ यह हुआ कि नदी से जब हम पानी सींचते हैं फसल में, तो फसल तैयार होती है। बिना जल का फसल तैयार नहीं हो सकती है। और वो जल कहां से आएगा? बारिश तो हमेशा होगी नहीं, मानसून के महीने में एक महीने, दो महीने, तीन महीने बारिश होगी। नदी से हमें जल निरंतर प्राप्त होता है और नदी का जल जादुई प्रभाव दिखाता है फसल पर, फसल लहलहा कर बढ़ती है। प्यारे दोस्तों, श्रम, श्रम का भी महत्व है। कभी कहते हैं कि फसल कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा और गरिमा है। अर्थात जो किसान है, हमारे किसान भाई हैं, वो फसल उपजाने में दिन रात लगे रहते हैं। करोड़ों हाथ, यानी करोड़ों किसानों के हाथ मिट्टी तैयार करने से लेकर फसल काटने तक निरंतर दिन रात खेतों में लगे रहते हैं, खलिहानों में लगे रहते हैं, तब जाकर फसल तैयार होती है। यानी उनके श्रम की महिमा अपरंपार है, उनके श्रम की गरिमा अपरंपार है। उनके श्रम के बिना फसल की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। प्यारे बच्चों, मिट्टी का गुणधर्म, कवि कहते हैं फसल मिट्टी का गुणधर्म है। हर चीज का गुण होता है। आप सुने होंगे, नारी का गुण है बच्चा पैदा करना। गांव देहात में आप सुनते होंगे, अगर नारी बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें बहुत तरह के लांछन सुनने पड़ते हैं, बांझ कह के पुकारा जाता है। उसी तरह मिट्टी का गुण है फसल पैदा करना। अगर मिट्टी में फसल पैदा नहीं होती है, तो उसे बंजर कहा जाता है, उस मिट्टी का कोई गुण नहीं। मिट्टी की पहचान ही है फसल पैदा करना। तो मिट्टी का गुणधर्म है फसल। हवा, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि हवा अर्थात पौधे जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेंगे, तो हवा से वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे। हवा के बिना उसका भोजन नहीं बनेगा, भोजन नहीं बनेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। हवा की थिरकन का परिणाम है फसल। आगे कभी कहते हैं सूर्य प्रकाश का रूपांतरण है। सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है सौर ऊर्जा। स्टार्च का निर्माण होता है, पौधे लहलहाकर बढ़ते हैं। तो इस तरह प्यारे बच्चों, हमने देखा कि फसल के उत्पादन में नदी, मिट्टी, हवा और सूर्य प्रकाश, ये चार प्राकृतिक कारण है और श्रम एक मानवीय कारण है, एक ये मानवीय कारक है। और बाकी जो चार रेस्ट बचा हुआ है, ये प्राकृतिक कारक है। तो फसल को उपजाने में मानवीय कारक और प्राकृतिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दरअसल यह कविता नागार्जुन ने लिखी है, विशेष करके ये शहरी पृष्ठभूमि और आगे वो बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे बच्चों को बतलाने के लिए। आज बच्चे फसल कैसे उपजाएंगे, शहरों में रहने वाले बच्चे को पता ही नहीं है, बच्चों को, कि फसल कैसे उपजाई जाती है।
इस कविता के माध्यम से उसे जानकारी मिल सकती है बहुत अच्छी तरह से कि फसल के लिए नदी के जल का होना जरूरी है, फसल के लिए मनुष्य के श्रम का होना बहुत जरूरी है, फसल के लिए मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी का गुणधर्म है, फसल के लिए हवा की थिरकन जरूरी है, फसल के लिए सूर्य प्रकाश का रूपांतरण आवश्यक है। इसी उद्देश्य से उन्होंने कविता लिखी है कि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि फसल तुरंत तैयार नहीं हो जाती है, आप जो अनाज घर में खाते हो ना वो तैयार रेडीमेड आपके घर में आ जाता है तो आप सोचते हो कि अरे पैकेट में वो पैकेट में चावल या पैकेट में वो आटा नहीं बालक, उसे बनाने में करोड़ों हाथों को संघर्ष करना पड़ता है, नदी के पानी से सींचना पड़ता है, मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, मिट्टी का उपजाऊपन वापस लाना पड़ता है और हवा और सूर्य प्रकाश का भी उतना ही महत्वपूर्ण रोल है। उम्मीद है आपको यह कविता इसका एक्सप्लेनेशन आपको अवश्य पसंद आया होगा और अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे YouTube चैनल को, अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं आगे और भी कविताओं को अच्छी तरह से समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।